नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं कुछ ऐसे कंपनी के बारे में चर्चा करूंगा जो बहुत हेल्प करेगा आपको अपकमिंग टाइम्स में इस कंपनी के ऊपर कुछ शानदार ट्रेड्स लेने के लिए। तो देखिए, ट्रेड्स लेने के लिए मतलब ये नहीं कि आप किसी भी कंपनी के ऊपर डायरेक्टली ट्रेड ले लें। तो आपको इसके लिए सबसे पहले आपको जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है उसके साथ बातचीत करके काम करना पड़ेगा। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ों को मैं आपके साथ शेयर किया हूँ, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो फर्स्ट जो कंपनी जिसका नाम है हैप्पी स्माइल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, मैंने जब इस कंपनी के ऊपर एक ट्रेड प्लान किया तो वो कुछ ट्रेड इस तरीके से बने। ध्यान से मैं सबसे पहले डेटा को मैं आपको दिखाऊंगा कि हैप्पी स्माइल टेक्नोलॉजीज के ऊपर एक लगातार एक फॉल देखने को मिला। वो फॉल कोई छोटा मोटा नहीं है। अगर मैं ओवरऑल टॉप लेवल से अगर मैं करंट लेवल तक देखूँ, सॉरी ओवरऑल टॉप लेवल से अगर ग्राउंड लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं 50% के आसपास क्रैश हो गया। और 50% के आसपास क्रैश होने के बाद मुझे बहुत सारे इस कंपनी के ऊपर सपोर्ट रेजिस्टेंस भी मिला। तो उसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली एक सपोर्ट मिला है, जो सपोर्ट लेवल मिला है 765 रुपीज़ के आसपास। इसी सपोर्ट को टच करके देखिए यहाँ पे कंपनी ने क्या किया, एक बिग बाउंस किया, जो बिग बाउंस का मतलब है यहाँ पे एक हाई वॉल्यूम के साथ ऊपर गया और कुल मिलाकर 20% के ऊपर एक रेंज क्रिएट किया। तो 20% के ऊपर रेंज क्रिएट किया और उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो कंपनी इसके ऊपर ये जो रेंज बने इसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है जो रेंज क्रिएट हुआ उसके अकॉर्डिंग कंपनी जब नीचे आएगा तो इस लेवल को टच करेगा, तो अब यहाँ पे क्या बनेगा एंट्री, और यहाँ से ही कंपनी धीरे धीरे करके ऊपर जाकर इस हाई लेवल तक जाकर यहाँ पे बनेगा टारगेट। तो एंट्री और टारगेट पॉइंट तो यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है। अभी ये देखना है कि सही में टारगेट बनने का कैपेबिलिटी है, क्योंकि देखिए जब भी इस तरीके से कोई रेंज क्रिएट होता है तो आपको ये देखना है कि जो करेक्शन हुआ उस करेक्शन में वॉल्यूम कितना हाई था। मतलब अगर सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रहे तो बड़ा से बड़ा फॉल आपको देखने को मिल सकता है अपकमिंग टाइम्स में। अगर सोच मान ही लीजिए कि यहाँ से कंपनी करेक्शन होकर और भी नीचे आएगा तो कहाँ तक आ सकते हैं, तो कहाँ तक आ सकते हैं मतलब नेक्स्ट जो सपोर्ट लेवल देखने को मिला 628 लेवल, तो 628 लेवल तक आने का चांसेस है। तो क्या सचमुच कंपनी के ऊपर दम है आगे बढ़ने के लिए? तो उसके लिए कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स देखना बहुत जरूरी है। अगर मैं इस कंपनी के फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में बात करूं तो कंपनी का जो रेवेन्यूज ग्रोथ है वो किसी भी एक साल में कम नहीं हुआ, हर साल में खुद का रेवेन्यूज को बढ़ते चले गए। मतलब रेवेन्यूज अच्छा खासा ग्रोथ भी किया, उसके अकॉर्डिंग कंपनी का प्रॉफिट भी अच्छा खासा जर्नी हुआ। 58 करोड़ से 51 करोड़ और 71 करोड़ के आसपास देखने को मिला। मतलब हाई लेवल का एक प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला है, जो कंपनी के ऊपर अच्छा खासा एक जर्नी करने के लिए काफ़ी है। तो बाकी कंपनीज के ऊपर 58 करोड़ के प्रॉफिट हुआ और 51 करोड़ के यहाँ पे भी छोटा मोटा प्रॉफिट डाउन हुआ, और कंपनी का हाई लेवल का प्रॉफिट कितना हुआ था 71। मतलब पिछले क्वार्टर्स में ज़्यादा प्रॉफिट हुआ था, इस बार कंपनी का प्रॉफिट थोड़ा सा डाउन हो चुके हैं। अभी दो चीज़ों को पहले समझना होगा, कंपनीज के ऊपर जो प्रॉफिट हुआ है क्या उसके अकॉर्डिंग कंपनी के ऊपर जर्नी होना सही, मतलब जर्नी सचमुच में होगा। उसके लिए कंपनीज के ऊपर आपको इन्वेस्टर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। आप देख सकते हैं इन्वेस्टर जैसे प्रोमोटर के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स था, वो धीरे धीरे करके माल थोड़ा सा बेचा, इसका डायरेक्टली फायदा किसने उठाया, एफएस ने उठाया और डीएस ने उठाया। क्योंकि देखिए पब्लिक के पास जो होल्डिंग था वो भी कुछ क्वांटिटी को एडिंग किया, बाकी देखिए एफएस के पास 4.5% से 5.5% होल्डिंग हो गया और डीएस के पास 2.5 से 2.5% के आसपास जो होल्डिंग था आज भी उसी तरीके से होल्डिंग्स देखने को मिला है। तो ओवरऑल कंपनी के जो टोटल जो मतलब कंपनी के जो टोटल इन्वेस्टर है उसके हिसाब से बात किया जाए तो कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर उतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं किया है। फिर भी मैं इस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट करता हूँ क्योंकि कंपनी एक छोटा कंपनी है, इसीलिए बड़े बड़े इन्वेस्टर काम नहीं कर रहे हैं। जब इस कंपनी का फिर से ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगा तो कंपनी फिर से आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक रिक्सी ट्रेड लेकर मैं कंटिन्यू करूँगा, आपके क्या व्यू है जरूर मुझे कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम आप देख सकते हैं सैम मेटालिक एंड एनर्जी लिमिटेड। तो इसके ऊपर जब एक ट्रेड बना था और मुझे शानदार ट्रेड मिला था, उस ट्रेड के ऊपर मैं आपके साथ चर्चा भी किया था जब ब्रेकआउट हुआ था, और देखिए किस तरीके से धीरे धीरे करके कंपनी ऊपर जाने का तैयारी कर रहा है और किस तरीके से वो रीबाउंस भी किया है। अगर उस चार्ट पैटर्न्स की मैं आपके साथ शेयर करूँ तो कुछ इस तरीके से पैटर्न्स क्रिएट किया, वो भी लाइफ टाइम हाई के ऊपर, क्योंकि इसका जो लाइफ टाइम हाई था करीबन करीबन 740 रुपीज़ के आसपास, और इसी लाइफ टाइम हाई को ब्रेक करके कंपनी ऊपर जाने का कोशिश कर रहे हैं। तो ओवरऑल बात करूँ कंपनी के ऊपर जो पैटर्न्स क्रिएट हुआ कुछ इस तरीके से कप बने, उसके बाद एक हैंडल पैटर्न बने, तो कफ विद हैंडल पैटर्न्स बनने के बाद फाइनली क्या हुआ यहाँ पे ब्रेकआउट एंड ब्रेकआउट कंफर्मेशन होने के लिए कंपनी ऊपर भी जा रहा है। मतलब कंपनी इसके ऊपर जिस तरीके से कप बने और जिस तरीके से यहाँ पे हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ और फाइनली जब ब्रेकआउट भी हुआ उसके अकॉर्डिंग कंपनी के ऊपर धीरे धीरे करके ऊपर जाने का कोशिश है, और फाइनली जो लेवल्स है वो 960 लेवल तक जाने का कोशिश करेंगे। तो 960 लेवल तक अगर गए तो कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा ग्रोथ एंड अच्छा खासा बूस्ट देखने को यहाँ पे मिल सकता है।
और मुझे लगता है यहाँ पे कंपनी के टोटल टारगेट लेवल मिला है 30% के आसपास, और इस तरीके से मैं टारगेट तब तक इंतजार करूंगा जब तक टारगेट ना हो, क्योंकि मुझे इस कंपनी के ऊपर थोड़ा सा ट्रस्ट बिल अच्छा लगा, क्योंकि कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ है मतलब रेवेन्यूज का ग्रोथ है वो ठीक ठाक है। कंपनी के ऊपर प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ा सा कम इसलिए हुआ क्योंकि आप सभी जानते हैं कोई भी स्टील कंपनी है, कोई भी मेटल कंपनी है, तो उसके ऊपर हमेशा वोलेटिलिटी रहता है क्योंकि ग्लोबली मार्केट के ऊपर डिपेंड करके काम होता है। फिर भी देखिए जिस तरीके से कंपनी ने प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन्स किया वो बहुत शानदार है। अब मुझे यहाँ पे एक डेटा आपको देखना है क्योंकि दिखाना है सितंबर 2023 में क्या सचमुच इतना सेल्स इतना प्रॉफिट हुआ था, चलो वो देख लेते हैं। तो अगर मैं क्वार्टर्स रिजल्ट के ऊपर जाऊँ तो सितंबर का जो डेटा था, सितंबर में जो रिजल्ट आया था उसको देखा जाए तो कंपनी के देखिए सेल्स जितना हुआ एक्सपेंस जितना हुआ उसके अकॉर्डिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो ज़्यादा नहीं था। तो ऐसे क्या हो गया कि कंपनी का प्रॉफिट इतना बड़ा हो गया? एक्चुअली कंपनी ने उस सालों में कोई भी टैक्सेशन नहीं दिया, उल्टा टैक्सेशन इसका माइनस हो गया और मतलब टैक्स रिफंड मिला, और इसके चलते कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ चुके थे। तो ओवरऑल कंपनी के ऊपर नेट प्रॉफिट ज़्यादा नहीं है क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा नहीं हुआ क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो 12% से डायरेक्टली 14% तक चला गया, मतलब कंपनी शानदार तरीके से इस बार प्रॉफिट किया। और यही कारण के वजह से मैं इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करना चाहता हूँ क्योंकि चीज़ों को आपको पहले डिटेल्स में देखना पड़ेगा तभी आपको पता चलेगा एक्चुअली कंपनी में दम है कि नहीं। और दूसरा एक कारण है जिसके कारण मैं इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू कर रहा हूँ, FS के ऊपर होल्डिंग एकदम जीरो था, वो आज होल्डिंग बढ़ के 2.5% के आसपास हो चुके हैं। DS के पास होल्डिंग जो 2% के आसपास होल्डिंग था वो आज 5.5% के आसपास हो चुके हैं, मतलब FS और DS के पास अच्छा खासा होल्डिंग है। और उसके अकॉर्डिंग प्रोमोटर ने जो खुद का होल्डिंग को ज़्यादा करके रखे थे उसको माल बेचा, क्योंकि सेबी के रूल्स के हिसाब से 75% से ज़्यादा होल्डिंग किसी भी कम प्रोमोटर के पास होना नहीं चाहिए, तो यहाँ पे तो थोड़ा सा माल बेचना पड़ेगा तो इसलिए माल बेचा गया। और बाकी सब कुछ तो ठीक ठाक ही चल रहा है तो इसलिए मैं इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करने वाला हूँ। अभी चलो नेक्स्ट कंपनी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट कंपनी का नाम है टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो मुझे इस कंपनी के ऊपर भर भर के कमेंट आ रहा था कि इस कंपनी के ऊपर क्या किया जाए क्योंकि जो कंपनी लगातार गिरते चले जा रहे हैं तो उसके ऊपर अभी क्या किया जाए। तो चलो मैं टाटा टेक्नोलॉजीज के ऊपर एक बार आपको मैं टेक्निकली चार्ट प्रिंस दिखा दूँ तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए कंपनी के ऊपर मैंने ये बताया था कि कंपनी जिस तरीके से यहाँ पे करेक्शन हुआ वो सिर्फ एक प्रॉफिट बुकिंग था, ऐसे नहीं कि कंपनी में कुछ खराबी था। कंपनी के ऊपर प्रॉफिट बुकिंग था, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन ने प्रॉफिट बुकिंग किया लिस्टिंग होने के बाद, क्योंकि लिस्टिंग एक हाई लेवल में जम होकर लिस्टिंग हुआ था, एक अच्छा खासा लिस्टिंग देखने को मिला था। तो प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद देखिए कंपनी यहाँ पे कुछ टाइम रुकी, मतलब कंपनी यहाँ पे होल्ड करना शुरू किया, और उसके बाद देखिए फाइनली इतने दिनों से जो वॉल्यूम नहीं हो रहा था फाइनली कुछ दिनों से वॉल्यूम देखने को मिला, मतलब फिर से यहाँ पे क्वांटिटी एडिंग करना शुरू हो चुके हैं। और यहाँ पे जो स्ट्रांगली एक रेजिस्टेंस बना था, बार बार इस रेजिस्टेंस को कंपनी फेस करके नीचे आ रहे थे, उस लेवल को हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट किया। अभी मुझे सिर्फ एक चीज़ चाहिए, ये जो ब्रेकआउट का लेवल दिखा इसके ऊपर कोई ग्रीन कैंडल स्ट्रांगली क्लोजिंग चाहिए, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे तो जरूर वो ऊपर जाने के लिए तैयार हो जाएगा। तो दो तरीके से रेंज मिलेगा, पहले एक सपोर्ट मिलेगा 1166 का और दूसरा लेवल मिलेगा 1341 का। तो दो स्ट्रांगली रेजिस्टेंस है, इस दो रेजिस्टेंस तक जाने का वो कोशिश करेंगे, मतलब यहाँ से यू टर्न लेकर वो बाउंस करने का कोशिश करेंगे। तो ऐसे बात मैं क्यों बता रहा हूँ क्योंकि कंपनी का अगर फाइनेंशियल डिटेल्स को देखेंगे तो आपको क्लियर कट अंदाजा लग जाएगा कि हाँ कंपनी में दम है, क्योंकि देखिए सेल्स में कभी भी कमियाँ देखने को नहीं मिलेगा, हर साल कंपनी हर क्वार्टर्स में सेल्स को मेंटेन्स किए, उसके अकॉर्डिंग कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी शानदार तरीके से ग्रोथ हुआ। और एक कौन सा डेटा है, ईयर ऑफ ईयर बेसिस का, अगर क्वार्टर की डेटा दिखा दूँ तो थोड़ा सा आपको करेक्शन दिखा, रेवेन्यूज में तो करेक्शन कुछ नहीं है, सेम टू सेम लेवल में है, इसका मतलब कंपनी हाई ग्रोथेबल कंपनी है और कंपनी ऑटो सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे KPIT टेक्नोलॉजी के ऊपर ग्रोथ देखने को मिला था, सेम टू सेम ग्रोथ यहाँ पे भी देखने को मिला है, इसका मतलब कंपनी के ऊपर आपको एक ट्रस्ट बिल होना चाहिए, कंपनी के ऊपर एक जर्नी करने के लिए आपको कंपनी के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए तभी इस कंपनी आपको कुछ अच्छा खासा ग्रोथ दिखा सकते हैं। तो बाकी आपके क्या व्यू है इस कंपनी के ऊपर जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना। और लास्ट जो कंपनी है जिसका नाम है HEG लिमिटेड, तो HEG लिमिटेड बेसिकली इस कंपनी एक साल में कुछ खास रिटर्न तो नहीं दिया मगर एक अपडेट बहुत शानदार दिया, वो अपडेट क्या है, 1:5 रेशियो का कंपनी यहाँ पे क्या करने वाला है, स्प्लिट देने वाला है, क्योंकि इसका जो फेस वैल्यू है अगर देखा जाए तो 10 के आसपास है, मतलब कंपनी एक के बदले 5 शेयर यहाँ पे देने वाला है एज ए स्प्लिट के हिसाब से। तो जो लोग स्प्लिट पाना चाहते हैं इस कंपनी के ऊपर एक बार रिसर्च करें उसके बाद काम करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।